नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल दीप पटेल 01 पे। आज मैं बताने वाला हूँ फ्रीलांसर्स के बारे में, फ्रीलांसर किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 2020 में। अगर आप सीरियस हो फ्रीलांसिंग को लेकर तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी आपको डिटेल में। तो यार इस वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना लिए हैं फनल रोलोडेक्स पे। अगर इस पे अगर आपने अभी तक गिग नहीं बनाया है और आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो यार अभी के अभी जाओ और गिग बनाओ। ये नई वेबसाइट है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है, अभी भी आप यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो यहाँ पे जाइए और फटाफट से स्टार्ट कीजिए अपना काम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे जाके गिग बना लीजिए, फाइवर पे भी बना लीजिए, अपवर्क पे भी बना लीजिए, पहला स्टेप कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है इस वेबसाइट पे, आगे जाके इस वेबसाइट पे कंपटीशन और बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले साइनअप कर लेते हैं, पहले अपना गिग डाल देते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है यहाँ से अर्निंग करने का। हो गए सबसे पहला स्टेप कंप्लीटेड। सेकेंड चीज़ है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स कैसे ऑब्टेन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो तो आपको मिलने ही वाले हैं डेफिनेटली। दूसरी चीज़, आप अपने लोकल एरिया में क्लाइंट्स को कैसे ढूंढेंगे। अब लोकल एरिया में आपको जहाँ पे गूगल पे सिर्फ सर्च करना है बिजनेसेस, ठीक है, आपके एरिया में कितने सारे बिजनेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कई सारी ऐसी बिजनेस हो सकते हैं, कई सारे ऐसे शॉप्स हो सकते हैं जिन शॉप्स का ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो आपको क्या करना है, उन शॉपकीपर्स को जाके अप्रोच करना है और उनसे कहना है कि यार आप उनके बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स और कस्टमर्स दिला सकते हो। अब वो चीज़ आपको जाके उन शॉपकीपर्स को बतानी है। अब शॉपकीपर्स एक बार में तो कन्विंस नहीं हो जाने वाले, वो आपसे पूछेंगे कि आप ये सारी चीज़ें किस तरह के करोगे। वहाँ पे ये वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको काम आने वाला है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, हर कोई आपको ये कहेगा कि आप जाइए और फ्रीलांसिंग में लोगों को अप्रोच करिए, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि किस तरह से एक क्लाइंट आपको मिलेगा। अब क्लाइंट के पास आप जाओगे, एक काम कीजिए, अपना जो भी लैपटॉप है या तो आपके पास जो भी कंप्यूटर है उसे साथ में ले जाइए, क्लाइंट के सामने बैठिए और उसे उसकी कंपनी के रिलेटेड एक कैंपेन बना के दिखाइए, ठीक है। एक कैंपेन बना के दिखाइए, उस कैंपेन को रन मत कीजिएगा, सिर्फ उसके सामने बैठ के वो कैंपेन बनाइएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और उस कैंपेन में दिखाइए कि आप अगर यहाँ पे मेरी कंपनी को इतना पेमेंट करते हो तो हम आपके लिए कैंपेन रन करेंगे। और अगर ये कैंपेन रन होता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में फेसबुक कैंपेन या तो गूगल पे कैंपेन, दोनों में आपको रीच पता चलती है कि इस कैंपेन की रीच कितनी हो सकती है। आप वहाँ पे उस क्लाइंट को वो रीच दिखाएंगे, ठीक है, कि यार यहाँ पे 100 कस्टमर्स तक मेरी ये चीज़ पहुँच रही है, आपको यहाँ पे 100 कस्टमर्स तक आपकी रीच है, तो आपको एटलीस्ट 20-30 कस्टमर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप मेरी कंपनी से ये सर्विसेज लेते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा है। कोई भी क्लाइंट आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप पूरी की पूरी वैल्यू अपफ्रंट प्रोवाइड करोगे, बताओगे किस तरह से काम करना है, पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे, अगर ऐसा है आपके आपके लिए पॉसिबल है, तो जिसको भी आप अप्रोच करने जा रहे हो उसका एक ऑलरेडी कैंपेन बना दीजिए और उसे एज अ ड्राफ्ट सेव कर लीजिए, और उसके बाद जब भी आप उसके पास जाइए आप पूरा का पूरा उसे कैंपेन दिखा दीजिए कि ये आपका कैंपेन है, अगर आप मुझे इतने पैसे प्रोवाइड करते हो तो ये कैंपेन मैं आपके लिए रन कर सकता हूँ। ये काफ़ी कमाल की चीज़ हो गई, यहाँ पे आपने वैल्यू अप फ्रंट प्रोवाइड कर दी। अब 90% चांसेस है कि वो क्लाइंट आपको हाँ बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने उसे वैल्यू प्रोवाइड की है, कैंपेन पूरा बना के ऑलरेडी दे दिया है। बस अब जैसे ही वो पेमेंट करेगा आप उसके कैंपेन को रन कर दोगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि कई सारे फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं लेकिन कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा। इस तरह से ज़्यादा क्लाइंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरी चीज़, आप OBS स्टूडियो करके ये सॉफ्टवेयर आता है जिसकी मदद से आप किसी भी क्लाइंट को अगर ईमेल भेजने वाले हो तो
तो यार इस तरह से OBS स्टूडियो की मदद से एक क्लाइंट का आप एक कैंपेन बनाइए और उसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए OBS स्टूडियो की मदद से, और उसे आप ईमेल भी भेज सकते हो उस वीडियो के साथ, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू अप फ्रंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रेडी हो जाएगा हाँ बोलने के लिए, आपको पैसे प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन यार इसमें मेहनत लगेगी, ये जो सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं वो ये बात समझ जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या ये आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है 2020 में। अगर आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग करना चाहते हो तो यार आपको अपफ्रंट वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अभी भी ये मार्केट इंडिया में आपके लिए बहुत ज़्यादा खाली है, तो फटाफट से इस मार्केट पे जंप कीजिए और वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कीजिए। पहले आप ऑलरेडी किसी भी को भी अप्रोच करोगे उसका ऑलरेडी कैंपेन बना लीजिए, उसे एज अ ड्राफ्ट सेव कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे, और जैसे ही आप उसके पास जाइए उसे अपना कैंपेन दिखाइए, उसे दिखाइए कि अगर इस कैंपेन को रन करते हैं तो आप इतने लोगों तक अपने रीच को पहुंचा सकते हैं, आपको पोटेंशियली इतने ज़्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस ओनर को आप में प्रॉफिट दिखा तो वो आपको हाँ बोलेगा, यहाँ पे 90% चांसेस है कि आपको क्लाइंट मिल जाएगा। दूसरा, फनल रोलोडेक्स नई वेबसाइट है, तो यहाँ पे से भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आपकी डबल अर्निंग हो सकती है। तो 2020 में अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो यार ये जो मैंने बताया है वो सीक्रेट बहुत ही रेयर लोग आपको बताएंगे। फटाफट से जाइए और टेक एक्शन, काम करना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी अर्निंग करने का चांस है। फ्रीलांसर्स जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो तो मेरे चैनल के बारे में ज़्यादातर जानते ही होंगे। तो यार अगर आप फ्रीलांसिंग, अफिलिएट मार्केटिंग और मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यार मेरी इस चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि यार आई बटन में भी कुछ वीडियोस पॉप हो रहे होंगे, उन वीडियोस को भी ज़रूर से चेकआउट करिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है? अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस पसंद आ रहा है। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने चाहता हूँ कि यार हमने अपना इंग्लिश चैनल भी लॉन्च कर दिया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यार हमारा इंग्लिश चैनल भी आ चुका है, यहाँ इंग्लिश चैनल पे आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे हिंदी में मिलता है वो कंटेंट, या तो फिर कुछ नया भी मैं इंग्लिश चैनल पे ट्राई करता हूँ कि उसके अलावा भी कुछ अलग कंटेंट अगर मैं डाल सकूँ तो वो भी मैं इंग्लिश चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो यार इंग्लिश चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो यार यहाँ पे डबल काम हो रहा है, दो चैनल्स में एक साथ रन कर रहा हूँ, तो यार यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो, यहाँ पे भी आपका प्यार मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इस चैनल पे भी आपको ढेर सारी वैल्यू मिलने वाली है। तो यार दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रा लाइक कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।